हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने चैनल पीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, मींस इंटीग्रेशन में। आपने अभी तक बेसिक 19.1 एक्सरसाइज, 19.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और 19.3 एक्सरसाइज को, मींस 19.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। बट 19.3 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन, कुछ थ्योरम के बारे में समझेंगे, कुछ डायरेक्ट एप्लीकेशन होंगे। साथ ही साथ यहीं पे आपका एक मेथड होगा जिसको डिस्कस करना है हमें, मेन सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जब भी कभी एक एक्सप्रेशन को एक नए अल्फाबेट के फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं, मीन्स कंसीडर करते हैं। सपोज आपके पास में ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, अब इसको आप टी का फॉर्म देने वाले हैं, टी कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने ए एक्स प्लस बी को कंसीडर किया टी को, टी के फॉर्म में। तो ये जो टी लिया आपने, यही आपका जो रूल है ये दिखाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड की, आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कुछ, किसी की जगह पे कुछ कंसीडर करके काम कर पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी बातें ना करते हुए अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर हमें इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने से पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपके पास पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ये होता है कि यदि मैं आपसे कह दूं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5 होल स्क्वायर, देन आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है। इसका फॉर्मूला आप फटाफट लगाएंगे और मतलब जैसे ही पूरा एक्सपेंशन करेंगे इंडिविजुअल टर्म पर आएंगे और कर लेंगे। अब यहीं पे यदि मैं इस पावर को हटा करके मान लो 3x प्लस 7 की पावर को मैं 3 कर दूं तो भी आप कर लेंगे, लेकिन यदि मैं यहां पर 3x प्लस 5 की पावर को 15 बना दूं तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास फार्मूला नहीं होता है, मींस आप फार्मूला नहीं जानते। यदि आप फार्मूला लगाने की कोशिश भी करेंगे तो आपको बायनोमियल थ्योरम पे जाना पड़ेगा, और जो कि एक लंबा प्रोसेस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे डायरेक्ट अप्रोच देंगे, वो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास में क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डॉट डी एक्स, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये हमारे लिए एक फार्मूले का भी है, फार्मूले की हेल्प करेगा। तो देखना है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। आपके पास में आपने फार्मूला पढ़ा था x की पावर n डॉट डी एक्स का, बट यहाँ पर x की पावर n नहीं है, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी की पावर n, मीन्स ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उस लीनियर पॉलिनोमियल की पावर n है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आपको क्या करना है, नया मीन्स इसको पहले छोटा बनाओ, पहले छोटा बनाओ, जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते थे छोटे छोटे स्टेप, चैन रूल लगाते थे, बस वही चैन रूल सा सिस्टम समझिए आप। यहाँ पर मीन्स ए एक्स प्लस बी को आपने कंसीडर किया एज अ टी, और जब आपने टी कंसीडर कर लिया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन टी के वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, तो आपका जो डी एक्स है वो भी टी के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये टी का फॉर्म लाने के लिए हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देन डियर स्टूडेंट्स, ए और एक्स का डिफरेंशिएशन जैसा कि आप जानते हैं आपके पास क्या होता है, ओनली वन, प्लस बी का आपके पास में जीरो होता है। देन आप यहां पर लिखेंगे ए डी एक्स इज इक्वल डी टी, और डी एक्स इज इक्वल डी टी अपॉन ए और वन अपॉन ए डी टी। इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। ए एक्स प्लस बी को आपने कंसिडर किया t, पावर n है तो n है, और आप dx की जगह पे रखना चाहते हैं 1 upon a, means 1 upon a dot dt। अब जो आपका अगला पॉइंट होगा, आप देखेंगे कि ये जो 1 upon a है ये तो आपका कांस्टेंट है, ये हो जाएगा बाहर। अब आपके पास क्या बचा, t की पावर n dot dt। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब x होता था पावर n होती थी तो यहाँ पे x होता था, means x to the power n dx होता था।
लेकिन आज के समय में आपके पास आ चुका है t की पावर n dt, जो कि अपने आप में x का वर्ग कर रहा है। तो जो फार्मूला आप x का लगाते थे वही फार्मूला आप t का लगाएंगे, मीन्स वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां पर आपके पास में जो फार्मूला आएगा वन अपॉन ए आफ्टर इंटीग्रेटिंग क्या आएगा, x की पावर n प्लस वन आता था तो t की पावर n प्लस वन आया अपॉन n प्लस वन आया प्लस c आया। आफ्टर दैट आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन ए करना क्या होता है कि t की जगह पे जो आपने पहले ही कंसीडर किया हुआ था उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, मीन्स वापस करना पड़ेगा। तो t को हमने लिया हुआ था ax plus b, आई होप समझ आ रही होगी बात। ax plus b लिया हुआ था, पावर में आ रहा है n plus 1 अपॉन नीचे आ रहा है n plus 1 और plus c, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो रहा होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने पास है 3x plus 7 to the power 8 dot dx। अब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो 3 है ये a का काम करेगा, 7 b का काम करेगा और 8 आपका n का काम करेगा और यहाँ पे dx चल रहा है। तो dear students, इसको डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको याद रखना है कि जब भी कभी ax plus b to the power 8 और dx का फॉर्म चल रहा हो तो जो इसका फाइनल रिजल्ट आता है क्या होता है कि जो आपके पास में लीनियर पॉलिनोमियल है इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा ax plus b का जो डेरिवेटिव होगा तो वो वन अपॉन ए है, उसको हमें नीचे लेके जाना है और साथ ही साथ जो पॉलिनोमियल है लीनियर वो हमें वही रखना है, पावर में हमें वन जोड़ना है और नीचे भी वन वन जोड़ना है। तो अब आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे वन अपॉन यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो रखेंगे मीन्स 3, आगे आप क्या कर रहे होंगे 3x plus 7 रख रहे होंगे और यहाँ पर 8 है तो इसमें प्लस 1 कर देंगे मीन्स 9 हो जाएगा। नीचे भी आपके पास में 8 plus 1 9 आ रहा होगा प्लस सी आ रहा होगा मीन्स 1 अपॉन 27 3x plus 7 टू द पावर 9 प्लस सी, ये आपके पास में आंसर आ रहा होगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको बेसिक तरीके पे जाना पड़ेगा, मींस यही आपको भी करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा एक बार मैं डिस्कस कर देता हूं आपके सामने इसी क्वेश्चन पर, कि जैसे आपके पास 3x plus 7 is equal 8 लिखा हुआ था dot dx से आपने क्या किया, आपने लेट किया 3x plus 7 is equal t। अब आप करना चाहते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, और जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे 3x का 1 हो जाएगा 7 का 0, तो इधर हम dx लगाएंगे और इधर dt देंगे। और बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये भी होता है कि सर यहाँ पर ये dx is equal dt कैसे आता है, तो आपको याद रखना है इस बात को भी मैं कहीं कॉर्नर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपके पास में t is equal 3x plus 5 में आप क्या करेंगे, मीन्स ये y का काम कर रहा है, आपने डिफरेंशिएशन में खूब सीखा हुआ था y इज इक्वल एक्सप्रेशन होता था, तो हम y ना लेके t ले रहे हैं यहाँ पर, तो t इज इक्वल 3x plus 5 है। अब यहाँ पर यदि हमें डिफरेंशिएशन करना है तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x पे है, तो x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें जब डिफरेंशिएट करना होगा तो इसको हम dt upon dx रख रहे होंगे मीन्स ddx of dt, और यहाँ पे 3 आ रहा होगा x का और 5 का 0। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें dt is equal क्या मिल रहा होगा 3dx, और यही चीज हमने डायरेक्ट यहाँ पर रखी है। तो ये आप तब कर पाएंगे जब आप इस बात को समझते हैं, मैं तो इस बात को मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया है और आपने सीखा हुआ है। तो यदि आपने सीखा हुआ है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यदि आपने नहीं सीखा हुआ है तो मैं एक बेसिक डिफरेंशिएशन का एक लेक्चर बना दूंगा जिसमें आप सीख लें फिर आप ये करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। बाकी मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ बताने की, आप समझ रहे होंगे आई होप, मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देख लें कि dt is equal क्या रहा होगा आपके पास में, dx is equal क्या रहा होगा आपके पास में dt upon 3, और जैसे dt upon 3 आ जाएगा ना तो आप यहाँ पे क्या कर पा रहे होंगे, इसको आपने t लिया तो यहाँ पे t रखा, पावर में 8 है तो 8 रख दिया, साथ ही साथ आप देख रहे हैं dx की जगह पे क्या रहा है 1/3 dt means 1/3 dt, ये बाहर होगा यहाँ पे dt आएगा। अब आप देख पा रहे हैं 1/3 हो गया, t की जगह पे क्या आएगा t की पावर 9 अपॉन नीचे भी 9 प्लस c और 1/3
टी की जगह पे आपने क्या लिया था, 3x plus 7 पावर में 9 आया, अपॉन 9 आया प्लस सी मींस 1 अपॉन 27 3x plus 7 टू द पावर 9 प्लस सी। तो ये आपका बेसिक तरीका है, मींस ट्रेडिशनल तरीका है। यदि आपने इस फॉर्म को लर्न नहीं किया हुआ है तो आपको इतना सारा करना पड़ेगा, यदि आपने फॉर्म को लर्न किया हुआ है तो क्वेश्चन को आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। केवल आपको इतना फॉर्म दिखाना होगा कि ये वैल्यू हम इसके बराबर रख पा रहे होते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं और अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला रिजल्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। सपोज अपने पास e टू द पावर ax प्लस b लिखा हुआ है डॉट dx, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है अपना, ये अपना सेकेंड क्वेश्चन है। ऐसे फॉर्मूले की तरह बिहेव करेगा, आपने खूब सीखा हुआ है और बुक में भी आप देखते हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रल e टू द पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो e टू द पावर ax प्लस c होता है। लेकिन जिस दिन हमारे पास e की जगह पे ओनली x ना होकर के एक लीनियर एक्सप्रेशन एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, उस समय पे हम क्या कर रहे होंगे, इस बात को समझना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही कहानी लेट कर लेंगे, ax plus b is equal t सपोज किया आपने। अब आप डिफरेंशिएशन करा रहे हैं बोथ साइड, तो देखो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है और उससे पहले जो कोफिशिएंट होता है उसका कुछ भी नहीं होता, तो a आपका ऐसा ही है 1, x का 1 हुआ और b का 0 हो जाएगा। तो इधर क्या रहा होगा, d of dx into t means dt upon dx आ रहा होगा, तो उस dx को इधर ही रखते हैं, तो ये dx is equal dt और हमें dx is equal चाहिए तो 1 upon a dot dt। अब आप देख पा रहे होंगे आपके पास ये सिचुएशन है। अब जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो e की पावर इसको आपने t कंसीडर किया हुआ था, t दे दिया, जब ये x वाला जो आपके पास क्वेश्चन था वो t में कन्वर्ट हुआ तो dx भी t के फॉर्म में आना चाहिए। तो आपने निकाल रखा है कि जब हम dx को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 upon a dot dt। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 upon a as a constant work कर रहा है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है e to the power t dot dt, और आप जैसा कि समझते हैं 1 upon a e की पावर x हो dx तो e की पावर x होता है, e की पावर t है dt तो e की पावर t होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट e की पावर t रखेंगे प्लस c। अब आप समझते हैं कि 1 upon a और e की पावर t की जगह पे जो था वो रिप्लेस करो, तो t की जगह पे क्या कंसीडर किया था, ax plus b, तो ax plus b रख दिया और plus c, यही आपके पास में आंसर है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। हम इसी के इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल है आपका, आप नोट्स बनाएंगे। एग्जांपल है आपके पास में e टू द पावर 5x plus 7 dot dx। आपके करने की अप्रोच क्या है, आपने देखा है यहां पर कि जो लीनियर एक्सप्रेशन e की पावर पे रखा हुआ है पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड करो, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 5, ओनली 5, 7 का 0 होगा, 5x का 5 होगा, इसको डिनोमिनेटर में पहले ही रख दो, इसको डिनोमिनेटर में पहले ही रख दो। आफ्टर दैट e की पावर में जो भी लिखा हुआ है मींस जैसा क्वेश्चन है वैसा ही यहां पे कॉपी कर दो, 5x plus 7, और आगे आपको क्या करना है, प्लस सी लगा देना है और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। सपोज मैं यहां पे दूसरे क्वेश्चन की बात कर लूं, मान लो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ऐसा होता है e की पावर 3x minus 2 dot dx, तब भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप, लेकिन ये याद रखना है कि हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तो उसको करने का दूसरा तरीका होगा, बट यहाँ पर हम लीनियर एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो आप देखिए x की पावर 1 होती है तो e की पावर 3x माइनस 2 है, आप इसका डिफरेंशिएशन चेक करें कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव 3 होगा, मींस 3 को हमने नीचे डाल दिया। साथ ही साथ जितना क्वेश्चन है इसको आप ऐसे ही कॉपी कर दो और प्लस सी लगा दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। सपोज डियर स्टूडेंट्स
आपके पास है a टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू डॉट डी एक्स। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन है। आपने सीखा हुआ था जब हमारे पास a टू द पावर x डॉट डी एक्स होता था तो हम इसका इंटीग्रेशन करते थे a टू द पावर x अपॉन ln और log बेस e x a e a प्लस c। बट यहां पर आपके पास में x ना होकर के a पी एक्स प्लस क्यू है, तब हम क्या कर रहे होंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर लेट कर रहे होंगे पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टी, या आपने लेट किया। अब t को हमें यहां पर तो t का एक्सप्रेशन आ गया लेकिन dx भी हटाना है तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो यहां पे p आएगा डॉट dx आएगा इज इक्वल dt आ रहा होगा। बात समझ आई होगी डियर स्टूडेंट्स? तो dx इज इक्वल क्या आ रहा होगा आपके पास में 1 अपॉन p डॉट dt। और जैसे ये वैल्यू यहां पे आप रख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे a टू द पावर t डॉट dt और 1 अपॉन p आपका आया बाहर। अब आप इसको टाई अप करें तो ये आपका जो ये लिखा हुआ है a टू द पावर t डॉट dt ये इज इक्वल है a टू द पावर x डॉट dx के। सेम है, जब यहां पे x है तो dx है, जब यहां t है तो dt है। तो जो एक्सप्रेशन इसका वही एक्सप्रेशन इसका। तो मींस यहां पर जब आप काम करेंगे 1 अपॉन p आपका लिखा हुआ है a टू द पावर यहां पे देख पा रहे हैं t आएगा अपॉन log बेस e a प्लस c। अब आप देखेंगे कि जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 1 अपॉन p डॉट a, तो a है अपना, t की जगह पे क्या लिखा हुआ है px प्लस q अपॉन log बेस e a प्लस c। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो यहां पे भी अगर आप माइंड लगाएं तो आपको समझ आएगा कि इस वाले प्रोसेस में भी जब हमें आंसर देना होता है तो हमें इस रिजल्ट को याद रखना होता है और जो पावर में एक ही पावर में लिखा होता है उसमें हम इसका डिफरेंशिएशन मींस डेरिवेटिव नीचे डालते हैं डिनोमिनेटर में, बाकी एक्सप्रेशन को साफ साफ वैसा ही लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसके एक दो एग्जाम्पल करते हैं और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, मान लो अपने पास एग्जांपल होता है, एग्जांपल के तौर पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, मींस फर्स्ट है आपके पास a टू द पावर 7x प्लस 5 डॉट dx। आपकी अप्रोच क्या होगी? आपकी डायरेक्ट अप्रोच होनी चाहिए, यहां पर बस ऐसा दिखाएंगे क्योंकि a टू द पावर px प्लस q डॉट dx इज इक्वल a टू द पावर px प्लस q अपॉन पी लॉग बेस ई ए प्लस सी। ये हमें इतना दिखाना होगा और मैं डायरेक्ट अप्रोच कर रहा हूं। यहां पर इसका डेरिवेटिव कितना है 7, वो हमने डाल दिया नीचे, लॉग लगाया बेस ई लगाया, जो यहां पे ए है तो ए लगाया और यहां पे 7x प्लस 5 है तो a टू द पावर 7x प्लस 5 आया प्लस सी आया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, आई होप समझ आया होगा। अगली बात करते हैं, सपोज हमारे पास आ जाए 7 टू द पावर 3x प्लस 5 डॉट dx। अब आप क्या कर रहे होंगे? तो ये जो 7 है ये तो कांस्टेंट ही है और जो आपका a होता है वो भी कांस्टेंट होता है। तो dear students आज भी आपको क्या करना है, जो लीनियर पॉलीनोमियल है मींस जो लीनियर पावर दिख रही है आपको, इसका जो डेरिवेटिव है वो पहले आप नीचे लेके जाए। तो नीचे लेके आ गए, फिर जैसा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है वैसा ही एक्सप्रेशन यहां पे लिख दें 3x प्लस 5 और यहाँ पे आपको log बेस e और जो यहाँ पे है मींस वैल्यू 7 तो 7 डालेंगे और प्लस सी लगाएंगे। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या है। सपोज आपके पास क्वेश्चन इस तरह से हो, अगला पॉइंट है आपके पास में पॉइंट नंबर 4, इंटीग्रल साइन ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स। आपने जो इंटीग्रेशन पढ़ा था वो डायरेक्ट पढ़ा था साइन एक्स डी एक्स का, क्या पढ़ा था माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बट हेयर एक्स ओनली थीटा जो होता है मीन्स एक्स आपका एक्स नहीं, यहां पे लीनियर पॉलीनोमियल रखा हुआ है। तो लीनियर एक्सप्रेशन रखा हुआ है, इसको सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा,
आप लेट कर लेंगे ए एक्स प्लस बी को टी, और जैसे ही टी बनाया तो साइन टी आया तो यहां भी तो टी होना चाहिए। तो यहां टी बनाने के लिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जैसे ही एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा ए डी एक्स इज इक्वल डी टी और डी एक्स इज इक्वल वन अपॉन ए डी टी। ये बात समझ आई होगी। अब इसको जब हम यहाँ पे रिप्लेस कराते हैं तो हमारे पास आता है साइन, इसको हमने टी कंसीडर किया था, डी एक्स की वैल्यू आ गई वन अपॉन ए डी टी, जहाँ पे वन अपॉन ए आपका कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे आया डी टी। आई होप ये बात समझ आई होगी। आगे जब अप्लाई करेंगे तो वन अपॉन ए और साइन टी का जो भी आपके पास में बेसिक फार्मूला था वो अप्लाई करो, तो साइन टी का माइनस कॉस टी, यहाँ पे माइनस आया कॉस आया और टी आया। अब t को t नहीं, t की वैल्यू को रिप्लेस करना जो आपने लिया हुआ था ax plus b plus c। आई होप ये बात समझ आई होगी। सपोज इसी पे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल पे, मान लो अपने पास दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3x plus 7.dx। आपकी डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी, इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 upon 3 means derivative 3 आएगा, बट उसको डिवाइड में लगाना है तो वो हमने लगा दिया। अब कुछ भी नहीं करना है, साइन को देखो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस किया और कॉस किया। इसके बाद में जो एक्सप्रेशन है वो पूरा का पूरा वैसे ही डाल देना है आपको, means 3x plus 7 plus c। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रल साइन px माइनस क्यू डॉट डी एक्स करते हैं और हम इसका आंसर जानना चाहते हैं आपसे। आप क्या करेंगे, आप इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ओनली पी, क्योंकि क्यू का जीरो होगा और एक्स का वन होता है तो पी आएगा। इसका डेरिवेटिव पी आया जिसको हमने नीचे रख दिया। अब हमें याद रखना है कि साइन लिखा है तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है बेसिक फार्मूला वो क्या होता है कॉस, माइनस का कॉस, तो माइनस का कॉस रखा। आफ्टर दैट जो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है उसको वहीं पे कॉपी कर दो, मींस पी एक्स माइनस क्यू और आगे प्लस सी लगा दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा सा और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। आपको ये जितने भी रिजल्ट बनाए जा रहे हैं प्लीज आप इनको कहीं पे कोई भी कॉपी बना लें, बट नोट्स जरूर प्रिपेयर करें, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आगे चलते हैं अगला पॉइंट। सपोज हमारे पास 5 पॉइंट होता है कुछ इस तरह से, इंटीग्रल 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना है, हमें बेसिक ही लेना है, मीन्स बेसिक जैसा बनाना है। लेट ए एक्स प्लस बी को हमने लिया टी, और जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन कराएंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी इजीली फाइंड आउट ए डॉट डी एक्स इज इक्वल डी टी एंड डी एक्स इज इक्वल वन अपॉन ए डी टी। आई होप ये बात समझ आई होगी। अब यहाँ पे जब हम रिप्लेस करते हैं इसको तो वन अपॉन ए और ए एक्स प्लस बी को तो हम टी ले चुके हैं, तो ये भैया टी हो गया। यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है तो डी एक्स को हटाइए और क्या लाइए वन अपॉन ए डी टी लाइए, क्योंकि डी एक्स की वैल्यू वन अपॉन ए डी टी निकल रही है। तो 1 अपॉन ए तो ऐसे कांस्टेंट वर्क कर रहा है तो 1 अपॉन ए बाहर आ गया, तो यहां पे क्या है dt। और आपने सीखा हुआ है कि 1 अपॉन x डॉट dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है भैया log mod of x plus c। क्लियर। आगे देखते हैं जब इसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 अपॉन ए पहले ही आ गया और 1 अपॉन t का क्या आएगा log mod of t plus c। अब आपको क्या करना है 1 अपॉन ए जो log mod of के अंदर t लिखा हुआ है तो t को आपने कंसीडर किया था ax plus b, ये आपको रिवर्स करना है, मींस सॉरी रिप्लेस करना है ax plus b plus c, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये बात भी समझ आई होगी। तो इसमें भी यदि मैं एक दो क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन क्या होंगे आपके पास, आपको याद रखना है ये डायरेक्ट रिजल्ट अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन आपका बहुत ही फास्ट होगा और इजी हो जाएगा। यदि आप ये लर्न नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन टाइम लेगा, और मीन्स टाइम ही लेगा, बाकी प्रोसेस तो तुम्हें भी पता है कि हमें ऐसे करना है। यहाँ पे यदि हम 5x plus 7 रख दें तो इसको t कंसीडर करना पड़ेगा, मीन्स प्रोसेस यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं,
और एक दो एग्जांपल की बात करते हैं इसी में। आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट इंटीग्रल 7x-5.dx एंड सेकंड होता है आपके पास 1/100x+5.dx। आपकी अप्रोच क्या है, आप तुरंत देखते हैं कि ये जो नीचे लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर पॉलीनोमियल है, तो यहां पर इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, तो इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालें तो कितना आएगा, 7x-5 का 7 का तो 7 है ये, x का मींस 7 तो 7 रहेगा, x का 1 और 5 का 0, तो मींस ये 7 आया जिसको हमें 1 के अकॉर्डिंग में रखना होता है। बस इतना याद रखना है आपको और कुछ भी नहीं याद रखना, बस आगे क्या करना है आपको log लगाना है, mod of लगाना है 7x-5। दूसरी और एक बात समझिए कि आपका क्वेश्चन हो सकता है सर व्हाई वी यूज मॉड हियर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लॉग होता है तो लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू को एडजस्ट, नेगेटिव वैल्यू पर अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है, हमेशा लॉग पॉजिटिव वैल्यू पे एडजस्ट करता है, इस वजह से मॉड लगाया जाता है। ये आंसर आ गया आपका इस क्वेश्चन का। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहा था तो यहाँ पे आपको इसका डेरिवेटिव पता करना है, तो 100 होगा मींस 1 के अपॉन में 100, और फिर क्या करना है लॉग लगाना है, 100 रखना है, x रखना है, प्लस 5 रखना है, प्लस 3, और यही आपके पास में आंसर होगा। आई होप ये बात समझ आई होगी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके पास में क्वेश्चन कैसे होते हैं। कुछ आरडी शर्मा बुक के एग्जांपल पे बात कर लेते हैं, आफ्टर दैट एक्सरसाइज पे पढ़ेंगे हम लोग। तो यदि मैं बात करूं एग्जांपल की, तो एग्जांपल में आपके पास में पहले ही दिया गया है, और जो अभी अभी हमने बताए, मतलब जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये सब ऐसा फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, आपको याद रखना है, और जब कई बार करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपके पास में क्वेश्चन होता है फर्स्ट नंबर इंटीग्रल sec स्क्वायर 7x-4x/7-4x.dx। सेकेंड क्वेश्चन होता है आपके पास cosec स्क्वायर 3x+2.dx। पहले इनको सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास में ये क्वेश्चन दिया गया है, अब आपको याद होगा कि आपने जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था वो sec स्क्वायर x डॉट dx का पढ़ा था, जो कि होता था sec स्क्वायर x dx का फॉर्मूला क्या होता था, tan x plus c, ये आपके पास फॉर्मूला होता। बट हियर आप देख पा रहे हैं कि आपके पास 7-4x लिखा हुआ, इसका क्या करें, तो कुछ भी नहीं करना है। देखो मैं पूरा ट्रेडिशनल तरीका पहले बता रहा हूँ, फिर आपको मैं जो क्वेश्चन हमने लॉजिक से लगाया, मीन्स लॉजिक क्या, जो आपका तरीका था उसी पे हम कैसे कर लेंगे। मैं सबसे पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, लेट 7-4x = t, और जैसे ही आपने इसको t कंसिडर किया तो 7 का तो 0 होगा, माइनस आ जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा, x का dx होगा, x का कुछ भी नहीं, 1 होगा तो dx लगाएंगे, इज इक्वल यहाँ पे क्या आएगा dt। अब आप देख पा रहे हैं dx इज इक्वल -1/4 dt आएगा। ये बात आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं और देखते हैं, ये sec स्क्वायर होगा, इसको आपने t कंसीडर किया था, dx यहाँ पे -1/4 तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे dt आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि 7-4x को t लिया और dx को हटाया, इससे -1/4 dt रखा, तो -1/4 बाहर हुआ और यहाँ पर आ गया आपका dt। समझ पा रहे हो आप। आगे चलते हैं, -1/4 और ये sec स्क्वायर t dt, ये sec स्क्वायर x dx सिमिलर हो गया। तो अब जैसा कि आप sec स्क्वायर x dx में रखते थे वैसे ही sec स्क्वायर t dt में रख दो, तो क्या आएगा, माइनस तो आपके पास पहले से आ चुका है, बाकी फार्मूला तो प्लस का ही होता है ना, tan x होता है ओनली, तो tan t रख दो प्लस c। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं 1/4, tan t की वैल्यू आपके पास क्या थी, 7-4x + c, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं, अगर हम वैसे इसको सॉल्व में करते, अगर हमें फार्मूला लर्न होता तो क्या करते, हमें इसका डेरिवेटिव चेक करना था, इसका डेरिवेटिव कितना है, इसका डेरिवेटिव कितना है, -4, ओनली -4, तो इसको कैसे लिखना था, डिनोमिनेटर में, तो -1/4 लिख दिया। अब क्या करना था हमें, sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, tan, तो हमने tan लिया। अब बात आती है x की, तो x की जगह जो लिखा है उसको लिख दो यार, 7-4x + c, और ये आंसर हो गया एक लाइन में। तो यदि आपको पता है तो डायरेक्ट करिए, नहीं पता है तो प्रोसेस है आपका ये।
पहले क्वेश्चन को आप अपने बेसिक फॉर्मूले जैसा बनाने की कोशिश करो, बेसिक फॉर्मूले जैसा बन जाए तुरंत अप्लाई कर दो और जो टी कंसीडर किया हुआ था उसको वापस कर दो। इस पे आते हैं भैया, लेट कर लेते हैं। लेट किया हमने 3x plus 2 को t, after that आप differentiation कराएंगे तो 3dx is equal क्या आएगा आपके पास dt। आप देख पा रहे हैं dx is equal क्या जाएगा 1/3 dt, आपके पास आ रहा होगा 1/3 cosec square, इसको t लिया यहाँ पे आया dt, और cosec square t का minus cot t होता है आपको भी पता है, तो यह आएगा -1/3 cot t, और t की जगह आपके लिए आया 3x + 2.2 + c। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये इतना जो भी अभी कॉन्सेप्ट बताया, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, और आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। अगली क्लास आपकी कल आएगी, मीन्स कल इसका अगला लेक्चर आएगा आपके पास, जिसमें आपकी क्लास मिनिमम 50 मिनट्स की होगी, और उसमें हमने एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मीन्स 25 क्वेश्चन तो कराई देंगे। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आल वीडियोज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।